नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं स्पेशल 60 का प्रोग्राम आप सबके लिए। जो भी लोगों ने हमें कमेंट किए थे, उन सब लोगों में से लकी 60 को चुना गया है और उन सब के जवाब देने की कोशिश मैं करने जा रही हूँ अपने टैरोट के द्वारा। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमारा ये है स्पेशल 60 का कार्यक्रम। पहला सवाल लेते हैं रितिका मदान का। डेट ऑफ बर्थ है 1st of April 1988। आई एम सेपरेटेड सिंगल मदर हूँ, 5 ईयर से सेपरेटेड रह रही हूँ। डिवोर्स हो रहा है, लाइफ कहीं सेट हो रही है। कब होगी मेरी लाइफ सेट या ही सिंगल मदर लाइफ भर रहूंगी? समझ नहीं आ रहा, बताएं। नहीं, बिल्कुल भी आपको सिंगल मदर नहीं रहना। लाइफ डेफिनेटली सेट होगी, आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी और वो शुरुआत होने में ज्यादा समय नहीं है, केवल 1 साल का समय। अगला सवाल है बतुल चटारिया का। माई नेम इज बतुल लोखंडवाला, 29th of October 1981। शुड आई प्लान फॉर थर्ड बेबी? क्या तीसरे बच्चे के लिए प्लान करना सही है? Yes, या नहीं? You can plan for third baby. निकिता लांबा, हाय मैम, थैंक यू। आई वॉन्ट टू नो माई मदर इज स्टेइंग इन हर ब्रदर हाउस। इस सवाल का जवाब तो हमने शायद आज हमारे कार्यक्रम में भी दिया था, आपके लिए कार निकालते हैं कि आपकी मम्मी को उनके भाई के घर में रहने में कोई दिक्कत होगी या नहीं। देखिए, उसमें भी यही कार्ड आया था और इसमें भी आया है कि कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। इशिता अरोड़ा, हाय मैम, मेरे बेटे का नाम खुशगर है, डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2018। हेल्थ और फ्यूचर के बारे में बताएं। थैंक यू। हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, फ्यूचर उनका बिल्कुल ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है डेबी पीटर का। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड रिप्लाई टू मी। आई लिव अब्रॉड एंड हैवंट गॉट अ परमानेंट सिंस 8 ईयर्स। व्हेन विल आई गेट अ परमानेंट जॉब एंड हाउस? कब तक परमानेंट जॉब मिलेगी और घर होगा डेबी पीटर का? डेफिनेटली यू कैन गेट योर परमानेंट जॉब एंड परमानेंट हाउस विद इन अ ईयर। अगला सवाल है छठा सवाल मायरा अनुज राणा की आईडी से। उमा साहा राणा का, गुस्सा बहुत आता है, फाइनेंशियली कैसा रहेगा और बेबी बॉय के कितने चांसेस हैं? ऑलरेडी घर में 4 लड़कियां हैं। देखिए, गुस्सा अगर आपको बहुत आता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा आता है, अपने आप नहीं आता, हम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने पूछा है कि 4 बेटियां हैं और हमें 5वां बच्चा यानी कि बेबी बॉय होगा या नहीं होगा। मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो मना ही आ रहा है और मेरे हिसाब से बेटियां भी आज के टाइम में बेटे के बराबर। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे छठा, राम सामी की आईडी से। माई सन बी इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज गोइंग विद वन गर्ल, आई डोंट वॉन्ट दैट। तो क्या इनका बेटा जिस लड़की के साथ जा रहा है या शादी करने जा रहा है, क्या जाएगा या नहीं? देखिए, अगर वो जाएगा तो उसके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगला सवाल है हमारे पास ताइबा का, 7वां सवाल। मैरिड कब होगी, शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज? सायरा का सवाल है, ताइबा, माफ कीजिएगा, ताइबा का सवाल है। ताइबा, मैरिज लव होगी या अरेंज, यही है? जी हाँ, लव मैरिज कब होगी, चांसेस बन सकते हैं और 2 साल के अंदर अंदर मैरिज होगी। 8वां सवाल है पूनम मित्तल का। मेरा भाई समीर गुप्ता जॉबलेस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, एनी रेमेडी और कार्ड निकाले? पूनम जी कहती है भाई की जॉब नहीं है, समीर गुप्ता कब तक होगी? अभी आने वाले 6 महीने तक जॉब की प्रॉब्लम रहने वाली है और रेमेडी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, मैसेंजर पे आप मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आपको उपाय बताएगा। 9वां सवाल तानवी तलवार की आईडी से। माय नेम मिस्टर तजिंदर कौर, डेट ऑफ बर्थ 1st September 1988। नीड टू नो व्हेन विल आई चेंज जॉब, कब तक होगी जॉब चेंज? अभी जॉब नहीं चेंज करनी, अगर अभी आप जॉब चेंज करते हैं तो जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुनीता नायडू, मेरी डॉटर के एग्जाम जून में है, क्या वो पास हो जाएगी? डेफिनेटली वो पास हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। 11वां सवाल शिरीष उमेर, आज तो बता दे मेरे ऊपर पोर्शन कब बना सकूंगा? डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1988। मेरी सिस्टर अपने घर कब तक शिफ्ट होगी? शिरीष के 2 सवाल है। जी बिल्कुल, आप अपना घर 4 महीने के अंदर अंदर बनाने की चांसेस ले सकते हैं, बन जाएगा आपका घर और आपकी सिस्टर को भी अपने घर जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बुल्लर साहब का सवाल है, मैम जुजर सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 4th March 1998। मैम, मुझे जॉब कब तक मिलेगा, फ्यूचर कैसा है? जुजर सिंह का सवाल जी, है। बिल्कुल, जॉब आपको मिलने वाली है और विदिन मुझे लगता है कि 2 हफ्तों के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। 13वां सवाल है राधा रमोला का। हेलो मैम, मेरी बेटी पूयम रावत, मेरा बेटा अमन रावत, दोनों का फ्यूचर बताएं। पूयम यादव रावत और अमन रावत का फ्यूचर, देखिए पूयम रावत का फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, ग्रोथ है बहुत अच्छी, लेकिन बेटे का जो आपका है उसकी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है और उसके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे पास यहाँ पे 14वां सवाल है रूप पीका जमक याला का। रूपिका का सवाल है 6th of October 1924, वांट टू नो हेल्थ
गुड पीरियड कब स्टार्ट होगा बिजनेस में? थैंक यू। देखिए, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो विद इन 5 वीक्स ठीक हो जाएगी और गुड पीरियड आपका आने वाले 6 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है। अगला सवाल है रेनू सूरी का। हेलो मैम, प्लीज टेल मी डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1990। मेरी शादी कब होगी? जॉब कब तक मिलेगा? 19 जून 1990 है और जॉब कब तक मिलेगी? आपको जॉब मिलने में अभी 10 हफ्ते हैं, 2 महीनों के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। 16वां सवाल है सुमन बाला, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएं। सुमन बाला जी का 16वां सवाल है गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रही हैं। धन्यवाद। सुमन बाला जी का क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी दिक्कत है, अभी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। आयशा का सवाल है, 3 बच्चे हैं, यूसुफ, युसरा, यमुना, सबका फ्यूचर बताएं। हम मलेशिया में रहते हैं, कब तक परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा? थैंक यू। यूसुफ, यमुना एंड यूसुफ, युसरा, यमुना। तो तीसरा सवाल, लाइफ इज गुड और युसरा, उसको हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है। युसरा, और युसरा जो लास्ट बच्चा है, तीसरे बच्चे का, तीसरा बच्चा यमुना, उसकी भी लाइफ में ग्रोथ होगी। 18वां सवाल लेते हैं दीपिका शेरावत का, 26 अप्रैल 1977। मेरी पति के जॉब के बारे में बताएं। दीपिका शेरावत का सवाल है, दीपिका जी आपके पति की जॉब जो है उनको कहीं ना कहीं पीछे से हर्डल्स बहुत हैं, बैक बचें, क्रिटिसिज्म, ये सब जरूर मिलता है और जॉब अभी लगने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। अगला सवाल नीतू मीनास, आई वांट टू नो अबाउट माय सन्स फ्यूचर एंड करियर, हिज नेम इज वंश गौरा। वंश गौरा जी के फ्यूचर के बारे में बताएं। थैंक यू। वंश का फ्यूचर इज वेरी गुड, बिल्कुल, करियर भी बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अपने आप आएंगी और लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ममता भगत, When I will get job? ममता जी का 20वां सवाल है, कहती है मुझे जॉब कब तक मिलेगी? धन्यवाद ममता जी जुड़ने के लिए। ममता जी, जॉब मिलने में ज्यादा दिन नहीं है और मुझे लगता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। अगला सवाल प्रीति दत्ता, अकार्ड फॉर माई डॉटर रिगार्डिंग हर मैरिज, शी इज अनमैरिड राइट नाउ। प्रीति जी कहती है मेरी बेटी के बारे में बताएं, कब तक होगी उसकी शादी? देखिए, अभी शादी रुकी हुई है लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर मैरिज हो सकती है, मैरिज, लव मैरिज भी होने के चांसेस बनते हैं। 22वां सवाल है अनाविया राजपूत, उमा हबीबी, 2nd of February 1926। मैम मुझे आपने बोला लव मैरिज के बाद सेपरेशन हो सकती है, क्या हाल नहीं मेरी लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाएगी? कोई हल नहीं क्या? इस डर से मैं जीना छोड़ दूं? देखिए, बिल्कुल भी जीना नहीं छोड़ना, लेकिन कार्ड्स आप देखिए, अगर लव मैरिज करते हैं तो प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जैक्ट वही कार्ड्स आए हैं, तो सजेशन में जी हाँ, आप इस काम में ये कर सकते हैं कि थोड़ा वक्त दीजिएगा इस रिलेशन को। अभी शादी करने पे जाते हैं तो हो सकता है कि बैड आपको एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त देते हैं, कहते हैं कि वक्त के साथ हमें चीजों को और एनालाइज करने का मौका मिलता है, तो अभी शादी के अगर कार्ड खराब आ रहे हैं, यू हैव टू वेट इन द रिलेशनशिप जिसके साथ आप हैं। प्रीति दर्शनी, संजय कुमार ओझा अबाउट फाइनेंशियल फ्यूचर, 23वां सवाल। संजय कुमार जी, फाइनेंस आपका ठीक हो जाएगा कम से कम 4 महीने के बाद, 4 महीने तक पैसों को लेकर दिक्कत रहने वाली है। 24वां सवाल कविता जय सिंघानिया, सिंघानी माफ कीजिएगा, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सन फ्यूचर, हिज नेम इज तनिष सिरवानी। अपने बेटे के फ्यूचर और करियर के बारे में तनिष के बारे में जानना चाहती हैं। करियर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेंगे लेकिन ग्रोथ उनको बहुत अच्छी मिलेगी। 25वां सवाल अंकिता सक्सेना, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई फ्यूचर, मेरा करियर, मेरी मैरिड लाइफ, 7 अप्रैल 1925। 25 सवाल हो चुके हैं अंकिता सक्सेना, मैरिड लाइफ, करियर, फ्यूचर। जी, मैरिड लाइफ में हर्डल्स रहेंगे आपके और फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं आपके बैरियर्स भी होंगे और करियर लाइफ जो है वो आपकी ठीक चलेगी। 26वां सवाल है हमारे पास पूजा धमीजा का, माय नेम इज पूजा रानी, मंडी दबावली, मेरी SBI बैंक में जॉब कब लगेगी, फाइनेंस सिलेक्शन कब होगा, प्लीज बताएं। SBI में आपकी जॉब लगने में अभी 9 महीने का वक्त है लेकिन आप ट्राई करती रहिए, मिलेगी जरूर। 27वां सवाल पूजा का है, फ्यूचर मैरिज कब होगी, फ्यूचर बताएं, मैरिज कब होगी, कितना टाइम लगेगा। 27वां सवाल पूजा का, शादी कब होगी, कितना वक्त लगेगा? पूजा, शादी होने में वक्त लगेगा 5 महीने से ज्यादा और शादी आपकी ठीक रहेगी। अगला सवाल स्वरण अत्री का, मैम मेरी बेटी की इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगी, लक्ष्य नाम है, लक्ष्य की इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगी या नहीं? जी बिल्कुल, लक्ष्य की इंजीनियरिंग में सिलेक्शन जरूर हो जाएगी। अगला सवाल ज्योति का, एनी चांस ऑफ सेकंड बेबी, डेट ऑफ बर्थ 3rd of February 1986। ज्योति कहती है दूसरे बच्चे का कोई चांस है या नहीं मेरे दोस्तों? दूसरे बच्चे का चांस अभी तो नहीं बन रहा ज्योति, कम से कम 5 महीने तक चांसेस नहीं बन रहे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 30वां सवाल है, 30th क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हरलीन कौर का,
हरलीन कौर कहती है, मेरा बेबी कब होगा? थैंक यू हरलीन। हरलीन कौर जी, बेबी होने में अभी वक्त लगेगा, 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। 31वां सवाल रीता जैन, 29 सितंबर 1978, मुझे मेरे फ्यूचर जानना है, ये भी जानना है कब तक सारी प्रॉब्लम खत्म होगी, लाइफ में सेटल और नॉर्मल कब होगी जिंदगी। देखिए, यू आर क्वाइट जजमेंटल और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में जरूर है। स्टेबिलिटी होने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। थिरुमुलाई नुम्बकम का सवाल है, मेरी हेल्थ, डेट ऑफ बर्थ है 9th of April 1933। कल आपका बर्थडे था तो बिलेटेड है। 1933, वेरी वेरी ओल्ड। थैंक यू। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। क्या है क्वेश्चन इन हेल्थ के बारे में? थिरुमलाई हेल्थ, हेल्थ इज ओके, छोटी छोटी प्रॉब्लम रहेगी लेकिन ठीक हो जाएगी। 33rd क्वेश्चन है सुष्मिता का, मुझे जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस, मेरे लिए ज्यादा फायदा क्या है और जॉब कब मिलेगी? 12 जून 1926। देखिए, जॉब करना ही आपके लिए बेटर है और विद इन 9 वीक्स अगर आप ट्राई करती हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। 34th क्वेश्चन है, 34वां सवाल है हमारे पास यहाँ पे, हाय मैम, मेरी गवर्नमेंट जॉब का कोई स्कोप है क्या, मेरा बेटा प्लीज उसका फ्यूचर बताएं। शिल्पा दास का सवाल है, गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप है और बेटे के फ्यूचर के बारे में बताएं। थैंक यू। गवर्नमेंट जॉब के स्कोप नहीं है और बेटे का फ्यूचर आपका अच्छा है। 35वां सवाल है, 35th सवाल है हमारे पास मीना राठी का, मेरी शादी को 9 महीने हो गए हैं, अच्छा दोनों का अच्छा नहीं रहा है, तो यानी कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा आप तरीके से चलिए, 2 साल के अंदर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। 36वां सवाल रेखा तेजानी का, मेरे बेटे की शादी कब होगी, धनु राशि है। रेखा जी कहती है, बेटे की शादी कब होगी प्लीज बताएं। थैंक यू। बेटे की शादी होने में अभी कम से कम 6 महीने से ज्यादा का वक्त है और लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। 37वां सवाल रिया गर्ग की आईडी से, मनीष गोयल, मैरिज कब होगी, 5 अक्टूबर, डेट ऑफ बर्थ। मनीष गोयल की शादी का सवाल है कि शादी कब तक होगी, 10 महीने में शादी होने के चांसेस 100% बन रहे। सपना विपिन अरोड़ा, घर कब तक बनेगा मैम, 38वां सवाल। सपना विपिन अरोड़ा, सपना जी, घर कब तक बनेगा? घर बनने में अभी 2 साल से लेकर 4 साल का वक्त लगेगा। 39th क्वेश्चन है प्रियंका चौधरी, गवर्नमेंट टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कब तक मिलेगी सक्सेस? प्रियंका चौधरी जी का सवाल है। गवर्नमेंट टीचर तो नहीं बनेंगी, लेकिन आप प्राइवेट टीचर बन पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 40वां सवाल निशा का है, मेरी शादी कब होगी, 24 जून 1925। थैंक यू निशा जुड़ने के लिए। 24 जून 1995, तो शादी होने में अभी वक्त लगेगा, 8 महीने से ज्यादा, और आपको शादी के लिए रेमेडीज भी करनी पड़ेगी। अगला सवाल पिंकी का, हस्बैंड के साथ फ्यूचर बताएं कैसा रहेगा। थैंक यू पिंकी जी जुड़ने के लिए। पिंकी जी का क्वेश्चन है, हस्बैंड के साथ फ्यूचर बताएं। पिंकी जी, हस्बैंड के साथ फ्यूचर अच्छा है, छोटी छोटी टिक टिक तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन फ्यूचर इज गुड। अगला सवाल पिंकी जगजीत सिंह चौधरी का, पहला सवाल था, इससे पहले था पिंकी राजगुरानी का, अब है पिंकी जगजीत सिंह चौधरी। हेलो मैम, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, 42वां सवाल। पिंकी जी, फाइनेंस ग्रोथ में मैं कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी मोटी हर्डल्स चलते रहेंगे, और पैसे को लेकर आप अपनी सोच भी थोड़ा सा बदलिए। अगला सवाल 43वां कमलदीप सिंह का, एकजोत कौर, 7 सितंबर 1993, अमृतपाल, 30 अगस्त 1987, मैरिज का बताएं कैसा रहेगा अगर करते हैं तो। जी, मैरिज बिल्कुल ठीक रहेगी शुरू शुरू में, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। 44th क्वेश्चन है, हेलो मैम, मनीप सिंह की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कब तक सही हो जाएगी? मनीप सिंह की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और वो सही होने के लिए कम से कम 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। 45वां सवाल मीना राठी, मेरे पैर की टेंशन कम नहीं हो रही, पियर मतलब कि मायके की। थैंक यू, देखते हैं। मीना जी, मायके की टेंशन कम नहीं हो रही है, लेकिन टेंशन कम हो जाएगी और 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा। 46वां सवाल सागर, 7 जून 1987, व्हेन विल गेट मैरिड, लव या अरेंज। सागर पूछते हैं शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज। लव मैरिज के तो चांसेस नहीं बन रहे और अरेंज के चांसेस भी अभी नहीं बन रहे, अभी टाइम लगेगा शादी में। 47वां सवाल शिल्पा महाजन, मेरी हेल्थ के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी जुड़ने के लिए। हेल्थ के बारे में बताएं, शिल्पा का सवाल है। शिल्पा का सवाल है हेल्थ के बारे में बताएं। शिल्पा जी, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए। पूजा यादव, 48वां सवाल,
When I get job, बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ. 25 जनवरी 1988 डेट ऑफ बर्थ. जॉब मिलने में अभी टाइम लगेगा और 7 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लग सकता है. कंचन कालरा, जॉब कब तक मिलेगी? काफी समय से जॉबलेस हूँ. 49th सवाल. कंचन कालरा जी का क्वेश्चन है, जॉब कब तक मिलेगी? कंचन जी, जॉब लगने में भी 4 वीक्स का टाइम है, 1 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी. 50वां सवाल है आज का चंद्रकांता जैन का, मेरा फ्यूचर बताएं. चंद्रकांता जी कहते हैं, मेरे फ्यूचर के बारे में कृपया करके बताएं. चंद्रकांता जी नाराज हो सकते हैं किसी से, दिल आपका टूट सकता है, स्टेबिलिटी लाइफ में आने में अभी काफी वक्त लगेगा. यहाँ पे हम 50 सवालों को ले चुके हैं, आगे बढ़ते हैं. 51वां सवाल, मेरा नाम नूर फातिमा है, स्टडी कैसी रहेगी पूछना चाहती हूँ. नूर फातिमा जी, स्टडीज आपकी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छा आप ग्रोथ करेंगी स्टडीज. 52वां सवाल है, हेलो मैम, 10 सितंबर 1981, मेरे किड्स के बारे में बताएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक सही होगी? बीना सिंह का सवाल है जी. किड्स आपके नहीं है तो किड्स होने में अभी 10 महीने का वक्त है, 10 महीने में आप कंसीव लग कर लेंगी और फाइनेंस को ठीक होने में भी काफी वक्त लगने वाला. किरण गौर का सवाल है, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड नरेंद्र सिंह रावत का कोर्ट जॉब में कोर्ट केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन कब आएगा, फेवर में होगा या नहीं? फेवर में ही होगा और अभी 2 महीने का वक्त लगेगा फेवर में आने. 54th सवाल, 54वां सवाल, दीपिका जी का, मेरी बेटी अक्षिता का फ्यूचर बताएं प्लीज. दीपिका जी का क्वेश्चन है, अक्षिता का फ्यूचर. कन्फ्यूजन्स रहेगी शुरू शुरू में, लेकिन लाइफ में ग्रोथ भी है और अथॉरिटी पोजीशन भी मिलेगी. कपिलेश्वरी, मैम लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है, इमोशनली फाइनेंशियली सोशली हर तरफ से परेशान हूँ, 15 मई 1980, क्या है मेरा फ्यूचर? फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कुछ चीजें अपने आप से उड़ी हैं, एवरीथिंग यू हैव, लेकिन कहीं ना कहीं उदासी बरकरार है आपके मन में, तो आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल के ऊपर काम करना पड़ेगा. 56वां सवाल, पूजा गुप्ता, मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं. धन्यवाद पूजा जी जुड़ने के लिए अपने सवाल करने का. क्वेश्चन है भविष्य के बारे में. जी हाँ पूजा गुप्ता जी, कहीं इमोशनली हर्ट आप हो सकती हैं बहुत जल्दी, किसी से भी मनमुटाव हो सकता है और लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा. 57वां सवाल है शीतल मेहता गाला का, मेरे ब्रदर का नाम राहुल मेहता है, फ्यूचर बताएं. 25 फरवरी 1987. 25 फरवरी है और आप फ्यूचर चाहती हैं. फ्यूचर में अप्स एंड डाउन्स लगातार बने रहेंगे, 2 साल तक तो कम से कम बने रहेंगे. शिल्पा शाह सूरी, मेरी शादी अरेंज होगी या लव प्लीज बताएं और कब होगी? 58वां सवाल है हमारे पास. लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज के चांसेस हैं और 8 महीने के अंदर होगी. 49वां सवाल है परसना राय का, नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है, मेरे घर में पैसा नहीं रुकता, कब तक रुकेगा? पैसा तो रुकने वाला है, 9 महीने के अंदर डेफिनेटली पैसा रुकना शुरू हो जाएगा. थैंक यू. 59 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का आखिरी सवाल हमारे आज के स्पेशल 60 का सवाल है हमारे पास यहाँ पे मानित वर्मा जी का, बड़ा घर कब होगा? मानित वर्मा जी, पैसों को रोटेट करना शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए और जहां तक कि कार्ड्स कहते हैं कि 8 और 9 महीने के अंदर अंदर आपके घड़े घर बड़े घर की प्लानिंग हो सकती है. थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्पेशल 60 के फेसबुक के पोस्ट पे मैसेज करते हैं. और मैं इसके साथ एक सवाल लेना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा आप ऑफ मत कीजिएगा. हमने कल सवाल लिए थे जिसके अंदर से कुछ लोगों के सवाल स्किप हो गए थे, जिसमें से हमारे पास कल का 44 नंबर का सुमायरा खान का है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 23rd of January 1984, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1980. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कब इम्प्रूव होगी? 3 साल से डाउन जाती जा रही है, हस्बैंड के जॉब के बारे में बताएं. जी बिल्कुल, 3 साल से आपकी पोजीशन खराब हो रही है, लेकिन अब बहुत जल्दी 4 महीने के बाद आपकी फाइनेंस जो है वो बेटर हो जाएगा. इसी के साथ स्पेशल 60 का आज का कार्यक्रम खत्म होता है. हम ये वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे. मेरे प्यारे दोस्तों, YouTube पे आपने फॉलो बैक कर रखा है, अपने मित्रों को भी बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें. साथ के साथ हमारे Instagram अकाउंट पे 3 लोगों को मौका मिलता है रोज वीडियो पे बात करने का. कृपया करके Instagram पे जाएं, टैरो पूजा वर्मा लिखें और फॉलो बैक करें. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.